focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अखौरी शंकर. इनका कहना है कि इन्होंने एक हर्बल दवा का इजाद किया है, KDS-4, जो कई सारी बीमारियों की इकलौती दवा है. तो आइए इनसे बात करते हैं इस मुद्दे पर. सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये जो इस दवा का जो इजाद हुआ, इसका आइडिएशन कहाँ से आया और कहाँ से इसका मोटिवेशन मिला इसको आप? इस दवा, मेरी मदर को स्पॉन्डिलाइटिस हुआ करता था. मैं स्पोर्ट्स पर्सन था, खेलता था और वो तड़पती रहती थी स्पॉन्डिलाइटिस से. डॉक्टरों के पास जाता था, डॉक्टर बोलते थे इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, फिजियोथेरेपी कराओ, ये कराओ. तो मुझे नीड एंड क्यूरियोसिटी मुझे इसका इन्वेंशन का कारण बना. मैंने पहले दवा खोजा, उस पर डॉक्टरी पढ़ना चालू किया प्रैक्टिस के लिए. पहले ये कंप्लीट हर्बल थी, इसमें और मैंने जोड़ता गया और KDS-4 ये आपकी मेडिसिन्स इस मेडिसिन का ब्रांड नेम है KDS-4 मार्केटिंग के लिए. ये जो इस दवा का जो इजाद हुआ है, तो इसकी क्या खासियत है और ये कैसे लोगों को मदद करता है? ये फाइटोजेनेटिक मेडिसिन है. फाइटो मीन्स ट्रेडिशनल मेडिसिन, जैसे आयुर्वेद हुआ, होम्योपैथ हुआ. तो पुरानी साइंस एंड न्यू साइंस, ट्रेडिशनल्स दवा का जेनेटिक पोर्शंस लेके इससे हम लोग ट्रीटमेंट करते थे और इससे बहुत से बीमारियां जैसे डीजेनरेटिव चेंजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज, इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शियस एंड डिजीजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, नॉट मैन, इट इज़ आइदर प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन. ये दवा किन किन बीमारियों का इलाज कर सकती है? ये डीजेनरेटिव चेंजेस, जैसे कॉमनली आप बीमारी अगर देखेंगे तो इसमें होता है स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्लीप डिस, स्कोलियोसिस, फ्रोजन शोल्डर, आस्थमा, ऑस्टियोपोरोसिस, कैप्सुलर डिजीज, सिस्ट प्रॉब्लम्स. कितने वक्त अगर इसको कंज्यूम करना पड़ेगा, लगातार लेना पड़ेगा? नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट न्यूरोलॉजिकल से होते हैं, स्पाइंस के थ्रू हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं. कितने वक्त लगेगा अगर? रिलीफ एक दिन में भी हो सकता है, एक 15 साल के बच्चे को 25 दिन लगता है मेडिकली फ़ायदा होने में. तो उसी हिसाब से ये चलती है. तो आज आप इसे इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, इसके अलावा और कहाँ कहाँ क्या और क्या अवेलेबिलिटी होगी इसकी मार्केट? मेरी दवा, ये दवा मुंबई में अवेलेबल है, जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है, कानपुर में है, रांची में है और ऑनलाइन अवेलेबल है. क्या प्राइसिंग है इसकी? और ये प्राइसिंग्स, इसकी एक बोतल की कीमत दो फॉर्म में ये है. एक ट्यूब्स फॉर्म्स में है जो स्किन्स की प्रॉब्लम दूर करती है, जैसे चेहरे में सेल डेथ हो जाते हैं उसके ट्रीटमेंट्स का है, बर्न्स का है, एक्जिमा का है, स्किन सोरोसिस का है, और एक लिक्विड फॉर्म्स का है जो अदर बीमारियों में काम देता है. एक बोतल की कीमत 1000 रुपीज़ रहते हैं, एक ट्यूब्स की कीमत 1000 रुपीज़ रहती है. हम देख रहे हैं कई सारे चेंजेस मेडिसिन में आ रहे हैं, डेली डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और हेल्थ के मामले में हमारा देश जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है. तो आप इस दवा को कैसे देखते हैं उनके मामले में, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं थोड़ा रेट भी हाई है? ये दवा कंप्लीट मेडिसिन है, इसकी दो पक्ष है, एक दवा और दूसरा टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट्स. हर बीमारी का न्यूरोलॉजिकल्स होता है, सपोज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, थोरसिक स्पाइन में लगाई जाती है, आस्थमा सर्वाइकल एरिया में लगाई जाती है, ब्रेन ट्यूमर्स हुए सर्वाइकल स्पाइन्स में लगाई जाती है, सेरेब्रल डिफ्यूज एट्रोफी हुई उसे सर्वाइकल स्पाइन में लगाई जाती है. तो हम लोग इसको पूरा स्पाइन के द्वारा ही ट्रीटमेंट्स करते हैं इसकी.